तो गाइस देखिए कितना फॉग हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अब तो थोड़ा 9 बज गए, थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन सुबह जब बच्चे स्कूल गए थे 8 बजे, बहुत ज़्यादा आ रहा था। देखिए पेड़ भी नहीं दिख रहे। अब ये जा रहा है अब्दुल्ला स्कूल। अब्दुल्ला चला गया है और यहाँ बिरजू अपना बंद मक्खन छोड़ के गए, क्योंकि वो लेट हो रहा था, इसलिए ये चाय, ये बंद मक्खन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग होंगे बहुत अच्छे। और ठंड इतनी हो रही है ना कि बोला भी नहीं जा रहा, और मेरी तो वैसे भी बोलते हुए सांस फूलती है, और ठंड की वजह से और हो रही है। और हीटर के पास बैठी हूँ, घर में कोई नहीं है, बच्चे स्कूल गए हैं, वीडियो शॉप पे गए हैं। मैंने पता 10:15 हो रहे हैं, मैंने खाने की तैयारी भी कर दी है। मैं बना रही हूँ उड़द गोश्त, तो उड़द मैंने गला के और उसमें भी रख दिए हैं, मतलब पलट दिए, और उसी कुकर में गोश्त चढ़ा रखा है भुनने के लिए। और सरसों का तेल मैं पकाती हूँ ना, तो उसकी झली मेरी आँखों में लग रही है। बाहर का वेदर मैंने आपको सुबह दिखाया था, बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है, ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा चलो छोटा मोटा ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग और अपना जो मैंने वो परसों के ब्लॉग में शायद पार्सल दिखाया था ना, वो मैं आप लोगों को, मतलब जो मैंने मंगाया वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर आज का जो रूटीन होगा वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है? अभी दिखाती हूँ, पहले वो लेके आते हैं, मतलब वो सामने रखा हुआ है टेबल पे, तो वो लेके आते हैं फिर दिखाते हैं। तो गाइस मैं उठा के ले आई हूँ पार्सल, और आवाज़ नहीं निकल रही, सच में इतनी ठंड लग रही ना मुझे बहुत ज़्यादा। ये वो पार्सल ओपन करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये है, ये एक कुर्ती है और एक ये सूट है, ऐसी नॉर्मल कॉटन का सूट है ये, और ये कुर्ती है। और ये मैंने ना, तो ये मैंने मंगवाई है रश्मि कलेक्शन से, वो दी बहुत अच्छे सूट देती है, मैं बहुत टाइम से मंगवा रही हूँ। और उनका यूट्यूब पे अपना खुद का एक चैनल है, और रश्मि कलेक्शन के नाम से भी एक उनका चैनल है जिसपे वो सूट सेल करती हैं, तो और बहुत अच्छी हैं वो। 4 साल से मैं उनके ब्लॉग भी देखती हूँ, और बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, उनकी जितनी तारीफ करूँ कम है। मतलब मेरे उनके ना लगभग 4 लाख के करीब होने वाले हैं सब्सक्राइबर, तो उनमें कोई ऐसे एटीट्यूड वगैरह नहीं है। तो जब मैंने उन्हें बताया कि मैं भी ब्लॉग बनाती हूँ, तो उन्होंने मतलब मेरा ब्लॉग देखा, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई है कि बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं होगा कि नहीं यार हम क्यों देखें, लेकिन नहीं बहुत अच्छी हैं। और ये चीज़ मैंने उन्हें अब बताई है, सूट तो मैं उनसे बहुत टाइम से मंगवा रही हूँ, लेकिन ये चीज़ मैंने अब बताई है। तो ये कुर्ती वहीं की है, और खोल के दिखाती हूँ। और उनके ना प्राइस भी बहुत अच्छे हैं, मार्केट से मतलब काफ़ी अच्छे हैं। तो ये दिखाती हूँ खोल के आप लोगों को, एक मिनट कैमरा सेट करती हूँ। तो इस तरीके की है ये कुर्ती ना, फ्रॉक कुर्ती है ये, इस तरीके से खूब अच्छा घेर है इसमें। और ये जो मैंने वेलवेट का सूट मंगवाया था ना, वेलवेट का भी मैंने वेलवेट के सूट की वीडियो डाली थी, वो भी मैंने इनसे ही मंगवाया था दी से। तो ये है, अरे ये सिंपल ऐसी कॉटन का सूट है, इसी नहीं खोल रही हूँ मैं, ऐसी सूट है तो मैं ना दिखा देती हूँ। वैसे एक पार्सल मेरा पर्पल से फिर आ गया है, लेकिन इसमें बस बच्चों के लिए लोशन वोशन है और मॉइस्चराइजर वगैरह, ये नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, गोल नहीं करूँगी, ठीक है? तो ये था, कैसा लगा ज़रूर बताएगा, और अभी ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा शायद। मैंने तेल रखा हुआ है, मैंने कहा चलो बस बन कर देते तेल। और ये गोश्त बन रहा है, और ये उड़द भी करके रखे हैं मैंने इसमें, और ये तेल पकाया, इसी की झले आँख में लग रही है मेरे, और इसे भुनने देते हैं। और बस फिर आगे जो रूटीन होगी, खाना वाना बनेगा, बच्चे आएंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे, तो बने रहे मेरे साथ, ठीक है? ठंडा बहुत हो रहा है, आप लोग भी हीटर के सामने बैठे रहिए, कहीं मत जाइए। तो गाइस देखिए माशाल्लाह गर्मा गर्म उड़द बन चुके हैं, देखिए उड़द गोश्त, और ये बन रहे हैं चावल। ये तो सुबह मैंने आपको दिखाया था जो तेल पकाया था, अभी बच्चे आते हैं फिर खाना खाएंगे गर्मा गर्म। बाहर भी ना देखो हल्की सी धूप निकलनी शुरू हो गई है। तो गाइज अब मैं आपको सीधा ना शाम को मिल रही, मैंने मशीन लगा रखी है, अभी कुछ कपड़े धो रहे हैं, कुछ यहाँ पड़े हैं,
और अंदर अभी बर्तन भांडा भी सब ऐसे ही पड़ा है। देखो अभी मैंने टिफिन भी नहीं धोए बच्चों के, और ये सब सारा फैला हुआ ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी इससे सबको समेटेंगे और फिर आप लोगों से मिलेंगे बाद में। अभी तो कपड़े धोऊंगी ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये मैं हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है, तो सुबह तो जब आपको हीटर के पास मिली थी मैं, तब तो मैं नहाई नहीं थी। फिर दिन में नहाई थी, जोहर की नमाज़ पढ़ी और खाना खा के सो गई थी। असर की नमाज़ पढ़ी और अब मगरिब की भी पढ़ ली, और अब काम वाम शुरू कर दिया है। अब लगेगा टाइम, फिर कपड़े धोने के बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ। तो गाइस इतने सारे कपड़े धोए हैं मैंने, वाइपर वाइपर मार दिया है, किचन के बर्तन भी धो दिए हैं, से थोड़े से कपड़े बाहर भी डाल दी। अभी तो नहीं दिख रहा होगा, अंधेरा हो रहा है क्योंकि आज रात को धोए हैं मैंने कपड़े। बर्तन भी धो दिए हैं, किचन थोड़ा बहुत क्लीन हो गया है। तो किचन थोड़ा बहुत क्लीन हो चुका है और अब बस मुझे रोटी बनानी है, और ये ब्लॉग भी मुझे आज ही अपलोड करना है। आज है फ्राइडे, तो आज ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा होगा कि जिस दिन शूट किया उसी दिन शाम को अपलोड कर दिया। कभी ऐसा होता है कि एक दिन पहले हम शूट करते हैं फिर अगले दिन उसे अपलोड करते हैं, लेकिन मैंने कल कुछ शूट नहीं कर पाया था। मतलब जो थोड़ा बहुत था वो कल शायद, हाँ कल कुछ नहीं शूट कर पाया था, तो इसलिए आज ब्लॉग ताज़ा ताज़ा ब्लॉग आ रहा है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।